तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के, जी हाँ, स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। इसके बाद की क्या कैसी प्रक्रिया होने वाली है, उन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस यहां करने वाले हैं। तो भैया क्या करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि यही मिलेगी सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे कॉलेज हो, कोर्स हो, करियर से जुड़ी जानकारी सभी सबसे पहले। तो भैया ऑफिशियल वेबसाइट आप जानते तो है ही, इसमें इन्होंने शेड्यूल नोटिस पे आपको जाना है और नीचे आपको मिल जाएगा सारा का सारा रिजल्ट। हमने पहले से खोल के रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे कल आपका रिजल्ट जो है आ चुका है स्पॉट राउंड का, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है वो हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो स्पॉट राउंड है उसके रिजल्ट को, जैसे आप एलिजिबल हो गए, आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो कॉलेज अलॉट होता है तो आपको यहाँ पे एक एकेडमिक फी का पार्शियल पेमेंट करना है 96,000 का। अब वो कर सकते हैं, आप चाहे नेट बैंकिंग से कर लो, क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर लो, वो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। लेकिन ये करना कब तक है, ये करना है 23 तारीख को रात के 11 बजे तक। इसके पहले ही आपको कर लेना है और लास्ट डेट के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि भैया बड़ी समस्या हो जाती है बीच बीच में, वो फंस जाते हैं, ट्रांजेक्शन की समस्या आ रही है, सर्वर डाउन चल रहा है। तो पहले कर लेना अगर आप कन्फर्म हैं तो, ठीक है भाई। इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट का प्रिंट निकाल लेना है। अब क्या होगा भैया, ये भी आपको 11:30 बजे रात तक 23 तारीख को कर लेना है। अब बेसाबी सभी बच्चे जो हैं यहाँ पे, अगर आप एडमिशन विड्रॉल करना चाह रहे हैं, अगर एडमिशन विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो भैया आपको 24 तारीख के रात के 12 बजे से पहले, मतलब 11:59 तक का टाइम दिया हुआ है, आप विड्रॉल कर सकते हैं एकेडमिक फीस का जो पार्शियल पेमेंट था उसको करने के बाद भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि चीज़ें क्लियर रहें। आपको आपको पेमेंट करना है अगर सीट चाहिए है तो, और पेमेंट करने के बाद विड्रॉल भी कर रहे हैं तो भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो डेट आपको मैंने बता दी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। तो भैया ये मैंडेटरी है कॉलेज में जाना, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबको रिपोर्टिंग करनी है मैंडेटरी, और वो आपकी क्या है भैया, स्टार्टिंग डेट जो है 22 तारीख से लेके 24 तारीख तक की है, 11 से 6 के बीच में आप जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं, क्या क्या आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो भैया ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बता दें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लगने वाली हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, क्या क्या लगना है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। सीईटी का रैंक कार्ड लग जाएगा, मेरिट लिस्ट, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, है ना, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, मार्कशीट सर्टिफिकेशन लगेंगे जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम्स के रहे हैं, ठीक है। और इनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट वगैरह भी लानी है सारी की सारी, ताकि वहाँ पर चेक की जा सके, ठीक है। डिस्टेंस और ओपन लर्निंग वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग है, फिटनेस सर्टिफिकेट हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, है ना, रिजर्व कैटेगरी का वेरीफिकेशन स्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके जाना है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ताकि आपकी क्लैरिटी से वेरिफिकेशन हो पाए। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे क्या कैसा स्कोर कार्ड जो है वो रहने वाला है, क्या ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो यार अगर आपकी रैंक, ये देखो ऑल इंडिया रैंक देख पा रहे हैं ना, तो भैया ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें तो 85,000 के आस, अच्छा पिछले साल क्या था, लगभग 75,000 के अराउंड जो है वो कट ऑफ गया था, बच्चों को मिली थी, हाँ, MAIT में टेक्निकल ब्रांचेस। इस बार ये कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये लगभग 85,000 के आसपास आपका अगर रैंक है तो आपको MAIT में टेक ब्रांचेस मिल जाएंगे ऑल इंडिया कोटे में। इसके अलावा अगर 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 1,20,000 तक की रैंक भी आपकी है तो MAIT में ही ECE इलेक्ट्रिकल बाली ब्रांचेज आपको मिल सकती हैं। तो आपका रैंक क्या है, कैसा है, वो सारी चीज़ें आप देख लो, उसके बेसिस पे काम कर सकते हो। इसके अलावा MSIT की भी बात है, अगर मान लो आपको MSIT देखना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है 95K के अराउंड आपकी अगर रैंक है तो आपको यहाँ पे IT ब्रांचेस भी मिल सकती हैं, लेकिन वो कहाँ मिलेगी, सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो MSIT या MAIT जो आपके ऑप्शंस हो रहे हैं वो देख लो। अब दूसरी चीज, इन केस अगर आपको स्पॉट राउंड में भी नहीं मिलती है सीट, ठीक है, स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिलती है,
तो आपके पास अभी भी क्या क्या ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सेकेंड राउंड अभी जो चल रहे हैं, चाहे हम यूपीटीयू की बात कर लें या फिर एमपीडीटी की बात कर लें, ठीक है। सो ये सारे के सारे सेकेंड राउंड के फेस में अभी चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, एडमिशन आप यहाँ भी ले सकते हैं। कैसे क्या इन सारी चीज़ों को अवेल करना है, आपकी रैंक जो है उस रैंक पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके बाद आपके पास कैसे कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो है आपका चॉइस फिलिंग। क्या भैया? चॉइस फिलिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका पूरा का पूरा कैरियर जो है वो बना रहा है। अगर हमने एक अच्छा कॉलेज लिया है ना, कॉलेज हमें अच्छा मिल गया, तो भैया हमारे पास क्या है, ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन हमने जल्दबाजी करके गलत ऑप्शन चूज कर लिया, तो पैसे, समय और करियर सब व्यर्थ हो सकता है। अगर जानकारी नहीं है, देखो आपको जानकारी है, आपने रिसर्च किया हुआ है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कंफ्यूजन आ रहा है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, सीधी चीजें अवेलेबल ऑनलाइन आपकी रखी हुई हैं। आपको जाना है studentkhabri.com पे, और कुछ नहीं करना है, गूगल पे आपको बस यही डालना है, studentkhabri.com। जैसे ये डालेंगे, सबसे पहले नंबर पे आपको स्टूडेंट खबरी की वेबसाइट दिख जाएगी, और इसमें आपको सारे के सारे टूल्स जो है आपकी सुविधा के लिए बना दिए गए हैं, रखे हुए हैं। आप प्रिडिक्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिडिक्टर दिख जाएगा, जिसका भी चाहिए हो। भैया ये तो चलिए यहाँ पे इंजीनियरिंग वाला सेलेक्ट करना है, मेडिकल सेलेक्ट था, इंजीनियरिंग वाले बच्चे इंजीनियरिंग पे जाके मेडिकल सेलेक्ट करेंगे, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपको ऑप्शंस जो दिख जाएंगे वो किसके दिख जाएंगे, इंजीनियरिंग वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। क्या क्या मिल रहे हैं, यूपीटीयू का हो गया, एमपीडीटी का हो गया, तो जो भी सिलेक्ट करना है यूपीटीयू के आप क्लिक कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, गो टू प्रेडिक्टर पर जाएंगे, यहाँ आपकी रैंक जितनी भी रैंक है, जो भी रैंक है, मान लीजिए 95,000 ही आपकी रैंक है, चलो 95K, ठीक है, हमने ये डाल दी, ज़्यादा डाल दी क्या, 9 लाख हो गई, ठीक है, 95K हो गई। यहाँ आपकी कैटेगरी जो भी है हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके राउंड्स रिक्वायर्ड जो भी हैं, फर्स्ट सेकंड राउंड जो दिख रहा है वो कर लो, जो भी है आपका जेईई मेंस ही या कोटा जो देख लेना, ऑल इंडिया कोटा देखा हमने, प्रिडिक्ट कर दिया। ये ऑप्शंस आपको जितने हैं सब मिल जाएंगे। आप अब हमें तो पता नहीं है कि कौन सा बेस्ट है, क्या है, अच्छा है, क्या है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही यूपीटीयू वाले चॉइस फिलिंग टूल पर जाएंगे, ठीक है, इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको गो टू टूल पर जाना है, वही सेम चीज एंटर कर देनी है, रैंक आपकी 95K आपने डाल दी, ठीक है, ये डाल दी। इसके बाद कैटेगरी हमारी जो भी है हमने सेलेक्ट कर ली, इसके अलावा राउंड वाइज आप देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा राउंड है, सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद आपका जो एग्जाम है वो डाल दो, कोटा डाल दो, ऑल इंडिया और जनरेट चॉइस फिलिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ब्रांच वाइज। और यही ऑप्शंस आपके जो ऑफिशियल पोर्टल आप जब खोलेंगे, आपका स्टूडेंट पोर्टल जिसमें आप फिल करेंगे, वो यही ऑप्शंस आपको देने वाला है। तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से ही इसको फिजिकली ये टिक कर सकते हो। अदरवाइज अदरवाइज हमें नहीं पता, हम मान के चल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, तो नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं किसकी, आजकल जो तेजी में चल रही है एआई की, सिलेक्ट यूजिंग एआई कर दो, एआई सिलेक्ट कर लेगा आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, सारे ऑप्शंस वो सिलेक्ट कर देगा। और उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, व्यू कर देना है। जैसे व्यू करेंगे हमें ये ऑप्शंस देखेंगे तीन कलर में, तीन कलर सुन लेना भैया, कौन कौन से तीन कलर, एक तो लाल, लाल कलर खतरे का निशान, मतलब क्या कि हमारी रैंक से परे हैं वो कॉलेज जो लाल में है, हमें नहीं मिलेंगे भैया, तो नहीं पढ़ना उनके चक्कर में। पीले कलर के दिखेंगे कुछ कुछ, 50-50 का चांस है, मिल सकते नहीं मिल सकते, लेकिन जो मिल रहे हैं वो हरे वाले, हरा कलर हमारा बिल्कुल क्या है भैया, ग्रीन सिग्नल है, जो हमें मिलने वाले हैं। आप उन ग्रीन सिग्नल पे देख लो, पहले पीला देख लो भाई, क्लिक किया अपन ने तो यहाँ पीले कलर वाले ऑप्शंस क्या क्या हैं वो हमको दिख जाएंगे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना। इसके बाद ये हरे कलर वाले ऑप्शन, अब इनमें हमें अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है कि भैया ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है, तो ये यहाँ पे एरोज दिए हैं ऊपर नीचे, आप कर लो। मान लो आपने क्या किया कि ये जो है ऊपर कर दिया है ना, अब हमें पता तो है नहीं, सच बात है, तो ये खुद ही बता देगा कि भैया ये कॉलेज जो है, दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, नीचे होना चाहिए था, ऊपर नहीं होना चाहिए था, तो इसको अपन ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दो, तो आपका काम ये सारा कर देगा। मतलब समझ रहा हो ना, आपके फिंगर टिप्स पे सारा काम होना है, आपको नहीं भी पता है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे,
चॉइस फिलिंग टूल से या फिर प्रिडिक्टर टूल से, तो इन टूल्स का इस्तेमाल करें। बाकी आपको डायरेक्ट चाहिए कि सर कोई डायरेक्ट ही गाइड कर दे तो बहुत अच्छा है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल कर दो भैया, हमारी टीम कॉन्टेक्ट कर लेगी और आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन आपके फ्यूचर को बनाने में हम सहयोग कर देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी से जाओ दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। बाकी अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.